अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई सीख, जिसके लिए हमने यहाँ एक चॉपर लिए है और उसमें डालेंगे एक छोटी प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 कप कोतमीर। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे। चॉपर हमें छोटा लग रहा था तो हमने इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लिया। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम। आप घर की थिक मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हम 2 पाव ऐड करेंगे। इसके बदले आप 4 ब्रेड की स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हो। अब पाव या ब्रेड के छोटे पीसेस करके हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका खीमा या फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आप इसमें खीमा यूज़ कर रहे हो तो मैरिनेशन के बाद आपको उसे भी एक बार ग्राइंड करना पड़ेगा। चिकन को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया हमने और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पुदीने का पाउडर। ये हमारा होममेड पाउडर है, जिसकी रेसिपी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप खीमा चॉप करने के टाइम पे उसमें फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कोयले का धुआं देंगे और इसे कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। सीख बनाने का मैरिनेशन अब बिल्कुल तैयार है। इसमें से हम कोयला निकाल लेंगे और इसे हम कवर करके फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। चलिए, इसे हमने फ्रिज से निकाल लिए है। इसे एक बार वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब सीख बनाना शुरू करेंगे। एक पैन में हमने ऑयल हीट कर लिए है, इसमें हम सीख फ्राई कर लेंगे। सभी साइड्स पे गोल्डन कोटिंग आने तक सीख को हम अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे।